नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, विंडशील्ड क्लीन करने के लिए यहां पर एक कंटेनर दिया होता है जिसमें पानी भरा होता है या कहें कि फ्लूइड भरा होता है। अब इस फ्लूइड के साथ में दोस्तों, या कहें कि पानी के साथ में हमको शैम्पू ऐड करना होता है। अदरवाइज इसके अंदर लगी हुई जो मोटर होती है, जो कि यहाँ पर जो है पानी की सप्लाई करती है, इस पाइप के माध्यम से स्प्रे करती है विंडशील्ड पर पानी, वो ख़राब हो सकती है, ऐसा कहना होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही बात करेंगे कि क्या वास्तव में जो है आपको हमेशा शैम्पू भरना ज़रूरी है और क्या मोटर ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर जो है अगर आप शैम्पू नहीं भरते हैं, लेकिन हाँ सादा पानी भरते हैं, तब जो है मोटर ख़राब हो सकती है, क्योंकि सादा पानी जो होता है वो अंदर जो है जम जाता है और अंदर काई के रूप में जमने के कारण मोटर को ख़राब कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप भर सकते हैं मिनरल वाटर, या फिर आपके घर में आरओ लगा है तो आरओ का पानी भी भर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, लगभग 6 साल मेरी गाड़ी को हो गया है और मैंने आज तक कभी भी शैम्पू यूज नहीं किया, और अभी भी आप देख रहे होंगे इसमें नॉर्मल पानी भरा हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे नॉर्मल पानी, मतलब आरओ का पानी भरा हुआ है। तो आप जो है आरओ का केवल पानी यूज कर सकते हैं, शैम्पू की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें दोस्तों आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, और आपको पता है जब भी सर्विस कराते हैं तो फिर जो है शैम्पू वगैरह का चार्ज एक्स्ट्रा लिया जाता है आपसे, इसमें शैम्पू ऐड किया जाता है, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा, कुछ फ्रेंडों का कहना ये भी था कि सर इसमें कूलेंट कम हो जाता है हमारे रिजर्वायर में। आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर दो लेवल दिए होते हैं, लो और फुल। अगर इससे कम हो जाता है तो क्या हमको कूलेंट ही डालना होता है? तो दोस्तों यहाँ पर भी आप मिनरल वाटर डाल सकते हैं, और अगर आपके पास डिजिटल वाटर अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, कूलेंट अकेले की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत कम है तो पानी डाल दीजिए। अब यहाँ पर जो है बैटरी की बात करें, तो बैटरी में दोस्तों आपको हमेशा डिजिटल वाटर का यूज करना है। जो डिजिटल वाटर होता है उसको जो है आप डाल सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत कम है तो फिर मिनरल वाटर भी डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत से मतलब ये है कि करीब 10 ml भी कम है तब फिर आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कम है फिर जो है आप डिजिटल वाटर ही डालिए। तो ये जानकारी थी इन तीनों ही फ्लूइड के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा ही मैं कहता हूं कि यहाँ पर तो जो है आप मिनरल वाटर हमेशा यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है, या फिर आरओ है आपके घर में तो आरओ का पानी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब हम इसमें शैम्पू भर देते हैं और विंडशील्ड को क्लीन करते हैं, तो आपने देखा होगा विंडशील्ड का जो वाइपर वाला एरिया वो तो साफ़ हो जाता है, लेकिन अगल बगल का जो एरिया होता है उस पर जो है बिल्कुल वाइट वाइट जम जाता है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए जो है मैं हमेशा जो है इसमें शैम्पू का यूज नहीं करता हूँ, और आज तक जो है मैंने कभी भी शैम्पू का यूज नहीं किया। सर्विस पर गाड़ी जाती थी तब ज़रूर हो जाता था, लेकिन मैं खुद से नहीं करता हूँ। और अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे आप, यानी मिनरल वाटर का यूज करेंगे, तो फिर जो है आपकी जो विंडशील्ड है वाइपर के अलावा भी जो एरिया है वो इतना ज़्यादा जो है सफ़ेद सफ़ेद नहीं होगा, या फिर जो है धुंधला नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, विंडशील्ड को अगर आप क्लीन करना चाहते हैं तो केवल पानी का यूज कर सकते हैं, इसमें भी केवल पानी का यूज कर सकते हैं, मिनरल वाटर का यूज कर सकते हैं, और इसमें जो है केवल आपको डिजिटल वाटर का यूज करना है, थोड़ा बहुत कम है तो फिर जो है आप मिनरल वाटर का यूज कर सकते हैं, नॉर्मल पानी आपको कहीं भी यूज नहीं करना है। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।